नमस्कार दर्शक बंधु, आजिर दिन में मु आपणक नहीं आसी राज्य तथा देश विदेश तीस टी गुरुत्वपूर्ण खबर। तबे डेरी नक भिडटी को शेष पर्यंत देखु। मंगलवार ठारु वर्षार प्रभाव और विस्तृति बढ़िबो। उपकूल और संलग्न ओडिशारे मध्य प्रबल वर्षा होइपारे। लघुचाप प्रभाव में 20-22 तारीख मध्य सबुठ अधिक वर्षा होबार संभावना रही। भुवनेश्वर समेत दक्षिण उपकूल में 20 तारीख ठारु 24 घंटा पर्यंत प्रबल वर्षा होबो बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। राजधानी कैपिटल हॉस्पिटल जातीय स्तर में स्वच्छ और गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा पाई गौरव आनी। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय कैपिटल हॉस्पिटल को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड कार्यक्रम अधीन क्वालिटी सर्टिफिकेट प्रदान करिछि। ओडिशार नंबर वन हॉस्पिटल भाव में यह विवेचना कर एनक्वास्ट टीम हॉस्पिटल कोण अनुकोण को जा जांच करने सामग्रिक भाव 88% मार्क देते। नुआखाई परदिन स्वतंत्र स्थानीय छुट्टी घोषणा करिछन्ति राज्य सरकार। मुख्यमंत्री निर्देश क्रमे राज्य सरकार पक्षरु संबलपुर बरगढ़ जिला एवं सुंदरगढ़ उपखंड में सेप्टेम्बर 21 तारीख दिन को स्वतंत्र स्थानीय छुट्टी भाव घोषणा करने को उत्तरांचल राजस्व आयुक्त को अनुमति प्रदान करिछन्ति। विभिन्न संगठन पक्षरु नुआखाई परदिन सेप्टेम्बर 21 तारीख को सरकारी छुट्टी दिवस भाव में घोषणा करने को दावी कर मत्स्यजीवी जीवन जीविकार उन्नति आने पूरी बेलाभूमि हेब मत्स्य अवतरण केन्द्र बा फिश लैंडिंग सेंटर। बेलाभूमि सापकोटी ठारे एक केन्द्र करा स्थान चिन्हट हो गणेश पूजा दिन निर्माण कार्य आरंभ हेब। पारंपरिक मत्स्यजीवी मानकर जीवन जीविका को सुव्यवस्थित करा सहित बेलाभूमि गोटे स्थान से मानकर डंगा और जाल र ट्रप टाइफस मृत्युर तदंत बरगढ़ और सुंदरगढ़ गले जनस्वास्थ्य विभाग स्वतंत्र टीम। एक टीम रे जने जुग्म निर्देशकों सहित एपिडोमोलॉजिस्ट अछंती। बरगढ़ 5 जन सुंदरगढ़ जनकर मृत्यु खबर मीडिया को आसीथिला। हेले सेमानकर टेस्ट घरे हॉस्पिटल ले होइथिला। कौन टेस्ट होइथिला और केमिति मृत्यु घटीथिला ताहर तदंत चलीछि। बृहत विमान बंदर मान्यता अभिमुखे अग्रसर होउछी भुवनेश्वर विजु पटनायक अंतर्जातीय विमान बंदर। कोविड परे क्रमगत भाव एही विमान बंदर रे यात्री संख्या बढ़िबारे लगी। एपरिक प्राक कोविड स्थिति को अतिक्रम करिबारे विजु पटनायक अंतर्जातीय विमान बंदर सफल होइछि। जुलाई 2022 तुलन में चलित वर्ष जुलाई रे यात्री अभिवृद्धि हार 48.3% रे पहुंचिछि। अंगनवाड़ी कर्मी और सहायिका और मिनि अंगनवाड़ी कर्मी भत्ता वृद्धि सहित आउ केतक दाबी पूरण न होबारु पुणी आंदोलनर धमक देइछंती अंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन संयुक्त मोर्चा। अक्टोबर 3 रे बड़ धरणर विक्षोभ प्रदर्शन करिवे अंगनवाड़ी कर्मी और सहायिका। दाबी पूरण पई गत मार्च रे सेमाने आंदोलन को ओल्लाइथिले। महाराष्ट्र रे गणेश पूजा पई चलचंचल। जीएसबी सेवा मंडल 19 सेप्टेम्बर गणपति पूजा पई सबुठारु दामी गणेश प्रतिमा स्थापन करिछंती। यह मुंबईर सबुठारु धनी मंडल भावरे जनाशुणा। एथर बोर्ड गणपति पूजा पई सुना और रूपा वर्षा करिछि। भगवान गणेशंक एही प्रतिमा 69 किलोग्राम सुना एवं 336 किलोग्राम रूपा रे निर्मित होइछि। बोर्ड रो जने प्रतिनिधि गणमाध्यम को कहिछंती जे सेमाने मध्य 360.45 कोटी टंकार बीमा नेइछंती। सुप्रीमकोर्ट झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आवेदन उपर शुणाणी करिबाकु मना करि देइछन्ती। मनी लॉन्डरिंग मामलें प्रवर्तन निर्देशालय समन विरोध में हेमंत सोरेन एक पिटीशन दाखल करिथिले। तबे जस्टिस अनिरुद्ध बोस एवं जस्टिस बेला एम त्रिवेदी बेंच हेमंत सोरेन को हाइकोर्ट रे आवेदन करिबाकु अनुमति देइछन्ती। चलित वर्ष शेष में मध्यप्रदेश में विधानसभा निर्वाचन अनुष्ठित होबो। एही परिप्रेक्षी में भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा बाहर करुथुबा बेले कांग्रेस 19 सेप्टेम्बर जन आक्रोश यात्रा आरंभ करिबाकु जाउछि। किंतु एही समय मध्यरे कांग्रेस निर्वाचन पोस्टर पूर्वतन एमपी तथा मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह फटो निखोज होबा चर्चार विषय पलटिछि जहाँ मध्यप्रदेश राजनीति में उत्तेजना सृष्टि करुछि।
मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन पूर्वरु भाजपा को एक बड़ झटका लागिछि। इंदोर भाजपा नेता दिनेश मल्लार एवं प्रमोद टंडन सेमानंक प्राथमिकता सदस्यतारु इस्तफा देइछन्ति। उभय नेता कांग्रेस छाड़ किछि मास पूर्वरु भाजपा रे जोग देइथिले। सूचना योग्य इंदोर नेता प्रमोद टंडन ज्योतिरादित्य सिंधिया जने दृढ़ समर्थक अटंती, किंतु वर्तमान तांको भाजपारु इस्तफा देबा दलपाई समस्या सृष्टि करिपारे। देशरे जन्मरु 5 वर्ष मध्यरे प्राय 43 लक्षरु अधिक शिशु मेद बहुलतार शिकार होउथिबार सरकारी तथ्यरु जनापड़िछि। सरकारंक द्वारा परिचालित शिशु सुरक्षा केन्द्रगुडिकर डाटा मध्य एही सर्वेर यथार्थकु दर्शाउछि। मध्यप्रदेश महाराष्ट्र बिहार राजस्थान उत्तराखंड समेत 13टी राज्य और केन्द्रशासित अंचलर मेद वृद्धि हार जातीय हार ठारु 6% अधिक। जदि एथिप्रति गुरुत्व दिया न जाए तबे भारत रे 2035 सुधा वार्षिक 9.1% शिशु मेद वृद्धि शिकार हेबे। प्रेम पई पाकिस्तान सीमा अतिक्रम करथिबा अंजु वर्तमान भारत को फेरिबे। अंजुंक पाकिस्तानी स्वामी नसरुल्ला एहा कहिछंती। से कहिछंती जे अंजुंक मानसिक स्तर रे विचलित अछंती, तेणु अंजु आसंता मासरे भारत फेरिबे। राजस्थान झियो अंजु तांक प्रेम पई भारत रे निज स्वामी ओ पिला कु छाडी पाकिस्तान चली जाइथिले। से पाकिस्तान जाई नसरुल्लांकु विवाह करथिले। उत्तर और पश्चिम कंगरे प्रबल बादल फटा वर्षा जोगु 17 जनकर मृत्यु घटी। अधिकारी माने कहिछन्ति वर्षा जोगु भूस्खलन होइथिला, अनेक घर भूसुड़ी पड़ी एवं किछि लोक आवर्जना तले दबी रहिथिबार आशंका रहिछि। वर्तमान उद्धारकारी दल सर्च ऑपरेशन जारी रखिछन्ति। मृत्यु संख्या बढ़ी पारे बोली से कहिछन्ति। राज्यपाल पीड़ितक परिवारकु समवेदना जणैबा सहित समग्र प्रदेश रे 3 दिन शोक घोषणा करिछन्ति। लिबियारे प्रलयंकारी बन्या परे प्राय 3 लक्ष शिशु गुरुतर स्वास्थ्य संकटर सम्मुखीन होउछन्ति। सेमानंकु दिनकु 2 बेला खाइबाकु मध्य मिलुनि। सेमाने भोक उपासरे जीवन काटुछन्ति। बन्या विपर्जयरे मृत्यु संख्या 20,000 अधिक हेबो बोली आकलन कराउछि। डनारे बन्या परिस्थिति जोगु 11,000 अधिक लोकंकर मृत्यु घटिछि एवं प्राय 40,000 बासिंदा विस्थापित होइछन्ति। चाइना एक अजब नियम आणिबाकु जाउछि। वास्तवरे देशर भावना को आघात पहुँचाउथिबा पोशाक खूब शीघ्र चाइनारे बेआईन घोषित होइपारे। एहा अधीनरे आघात पहुँचाउथिबा लोकंकु जेल किंबा जोरिमाना कराजिबो। जदियो नूतन नियम द्वारा केउ प्रकारर पोशाक निषिद्ध हेबो ताहा आईने स्पष्ट होइनाही। रिपब्लिकन राष्ट्रपति प्रार्थी विवेक रामस्वामी एक बड़ बयान सामना को आसी। 2024 निर्वाचन में विजयी हुई क्षमता को आसिले H1 भिजा व्यवस्थार अंत घटाइबे बोली से कहिछंती। टेलीभित्तिक व्यवस्था स्थान में से गुणात्मक प्रवेश व्यवस्था कार्यकारी कराइबे बोली जनसाधारण को प्रतिश्रुति देइछंती। H1B हेउछि एक अणप्रवासी भिजा। रूस युक्रेन युद्ध मध्यरे युक्रेन राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की एक बड़ दाबी करिछन्ति। राष्ट्रपति कहिछन्ति युक्रेन सैन्य माने बाकमुटर दक्षिण कूल अवस्थित क्लिची बका गाँव को रूसिया दखलु निज नियंत्रण को आनिछन्ति। वास्तवरे एही ग्राम को रूसियार सेना दखल करिथिला। राष्ट्रपति जेलेंस्की देश को दिया जाइथिबा एक वीडियो वार्ता माध्यम रे एही सूचना देइछन्ति। 10म पास करिबा परे सेना निजुक्ति पई प्रस्तुत हेउथुबा युवक मानंक पई खुशी खबर। मुख्यालय साउथ कमांड NTM समेत विभिन्न पदवी रे निजुक्ति पई आवेदन मागिछि। आग्रही प्रार्थी माने 18 सेप्टेम्बर 2023 रु आवेदन करिपारिबे। आवेदन फॉर्म दाखल करिवार शेष तारीख 8 अक्टोबर 2023 बोली स्थिर करा जायछि। ऑफिशियल वेबसाइट कु जाई प्रार्थी माने आवेदन करिपारिबे। UG एवं PG डिग्री परे सरकारी चाकरी खोजुथुबा युवक युवती मानंक पई सुवर्ण सुजोग। अणशिक्षक कर्मचारी पदवी रे निजुक्ति पई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT कानपुर एक विज्ञप्ति जारी करिछि। प्रकाशित विज्ञप्ति अनुजाई मोट 85 पदवी रे निजुक्ति करा जिवो। आवेदन प्रक्रिया 15 सेप्टेम्बर 2023 रु आरंभ होई 16 अक्टोबर 2023 पर्यंत चलिबो। आवेदन पई प्रार्थी माने ऑफिशियल वेबसाइट कु जिवाकु पडिबो।
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ବିଳମ୍ବ ନକରି ତୁରନ୍ତ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ ରେଳବାଇର ନିଯୁକ୍ତି ସେଲ୍ 3115 ଜଣ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଶେଷ ତାରିଖ 26 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଲୱେର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଓ ରାଜନେତା ରାଘବ ଚଡ୍ଡା ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯିବେ। କପଲ 13 ମେ 2023 ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏନ୍ଗେଜ୍ମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୋପ୍ରା ଓ ଚଡ୍ଡା ପରିବାରର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସାରରେ ଚାଲିଛି। ପରିଣୀତି ଚୋପ୍ରା ଏବଂ ରାଘବ ଚଡ୍ଡାଙ୍କର ପ୍ରି ୱେଡିଂ ଫଙ୍କସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର ପୂଜା ବଜାରରେ ବଲିଉଡ଼ରେ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ ଓ କଙ୍ଗନା ରାନାୱତଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମର ଶୁଭ ମୁକ୍ତି ହେବ। ଗଣପତି ପାର୍ଟ 1 ଆକ୍ସନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମୁଭି 20 ଅକ୍ଟୋବର 2023 ଏହାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତି ହେବ। ସେହିପରି କଙ୍ଗନାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ତେଜସ୍ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର 20 ଶୁଭ ମୁକ୍ତି ହେବ। ଏହା ଏକ ଆକ୍ସନ୍ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଫିଲ୍ମ। ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସର୍ଭେଶ ମେୱାରା ଦେଇଛନ୍ତି। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ରଣବୀର କପୁରଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆନିମଲ୍ର ରିଲିଜ୍କୁ ତାରିଖକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି। ଶେଷରେ ଫିଲ୍ମର ନିର୍ମାତା ଏହାର ରିଲିଜ୍ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1 ଡିସେମ୍ବରରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ହେବ। ସନ୍ଧି ରେଡ୍ଡି ବାଙ୍ଗାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି 5ଟି ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜରିନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ କୋଲକାତାର ସିଆଲଦହ କୋର୍ଟ ଜରିନ୍ଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଆରେଷ୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏଠାରେ ଏକ କମ୍ପାନୀ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। 2018 6ଟି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ନ ଦେଇଥିବାରୁ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ ସାଲାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟରେ ପ୍ରଭାସ ସ୍ମୃତି ହାସନ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀଲ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାସ ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ନେତା। ସେ ଅନ୍ୟ ଅପରାଧୀ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ନେଇ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କିଭଳି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଫିଲ୍ମରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏସିଆ କପ୍ ପରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ଖେଳିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ସୁପର 4 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଅକ୍ଷର। ଏଥିଲାଗି ସେ ଏସିଆ କପ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର 5 ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା 2023 କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଲାଗି 15 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି ଇଂଲଣ୍ଡ। ଜୋସ୍ ବଟଲ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦଳରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟର ହ୍ୟାରି ବୁକ୍ଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ସେ ଦଳରେ ଜେନ୍ସନ୍ ରାୟଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି। ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2023 ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ବାମ ହାତରେ ଆଘାତ କାରଣରୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଡ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖେଳିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଫର୍ମରେ ଥିବା ମାନସ ଲାବୁସେନ୍ଙ୍କ ଖେଳିବା ଲାଗି ବାଟ ଫିଟିଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ T20 କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦୟପୁରଠାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ଅକ୍ଟୋବର 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳାଯିବ। ଏଥିରେ 25 ରାଜ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଭଳି ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।